हेमा जी और पूनम जी, आप लोग विश कर दीजिए अपने स्टाइल में अपने दोस्त मधु जी को। सॉरी, मैं अपने भाई को विश करने आई हूँ। मधु जी मेरे राखी भाई हैं। तो भैया, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। आप दिन दूना रात चौगना तरक्की कीजिए, बस थोड़ा वेट पे ध्यान रखिए। और मैं बोलूंगी पेट पे ध्यान रखिए। मधु जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जैसे उन्होंने कहा कि वेट पे ध्यान रखें, तो मैं कहूंगी मधु जी प्लीज पेट पे ध्यान रखें। क्या चीज सबसे अच्छी लगती है उनके बारे में सुना जी? अच्छी जो मुझे लगती है वो है कि भोजपुरी में आते ही उन्होंने एक जो दौर शुरू किया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का, उन लोगों को खुशी होती है कि हम यूपी बिहार तक ही घूमते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी घूम रहे हैं। सबसे पहले अभय सिन्हा जी ने शुरू किया और अब मधु जी ने वो बरकरार रखा है। अब हम वापस 14 फरवरी को उनका शो करने जा रहे हैं दोहा कतर। तो उनकी ये खासियत है और वो भोजपुरी को, भोजपुरी के कलाकारों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये उनकी खूबियाँ होती हैं। इससे पहले भी शो सुनते थे अब्रॉड के, उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग या क्या चेंजेस आप लोगों को नजर आया जब से ये शोज करने लगे हैं? मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग में बहुत सारी चेंजेस आई है, क्योंकि जहाँ हमारी फोटो 400 लाइक होते थे, है ना, जहाँ हमारी फोटो 400 लाइक्स होते थे, एक बार दोहा कतर जाने से वो 800 हो गए, और सेकेंड टाइम जाने से आज अनलिमिटेड है फैंस हमारे। ये इंटरनेशनल पे जाने पे हम लोगों को पता लगा कि हाँ, हमारे फैन वहाँ भी है, और हमारे भोजपुरी दर्शक आउट ऑफ इंडिया कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारे भोजपुरी ऑडियंस नहीं है। तो मधु जी का शुक्रगुजार तो हम लोग हैं कि उन्होंने एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी शुरुआत की है। आप भी उनको भाई मानते हैं? और मैं बोलना चाहूंगी इंडस्ट्री में नहीं, मेरा एक ही भाई है जो मेरे घर है। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे बड़ा पूछा जाता था, तो मैं बोलती थी मैं इंडस्ट्री में कभी किसी को भाई नहीं बनाऊंगी, वो रूल मैंने आज तक फॉलो किया है। आप तो अंदाज से खुद ही भाई हो। क्या क्या भाई, और ऐसे मुंह वाले भैया तो हमारी इसमें बहुत होते हैं, भैया इधर आ, ये तो ऐसे बहुत होता है, बट भाई मैंने आज तक किसी को नहीं बनाया और ना ही कभी बनाऊंगा। नहीं, कोई खास रीजन इसके पीछे? भाई बोलेंगे तो फिर उतने हॉट तरीके से सामने वाला आइटम ही फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी ना भाई बनाने से। और मैं जैसे किसी बोल ना भैया, तो वो दोबारा पलट के आते ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भैया नहीं बोलो, वही अच्छा है ना। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।